कि समाज में एक बार ऐसे संकट आया था, लोग बोले ना मेरे बोले सापा जितने दल गए वो मिलकर महागठबंधन बना। मैंने उस पर कहा कि एक बार का सीता जी का स्वयंवर हुआ और सीता जी के स्वयंवर में तमाम राजा इकट्ठा हो गए और राजा थे एक दूसरे के विरोधी थे और विरोधी राजा इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद ये हुआ कि धनुष को कौन तोड़ेगा। यदि यहाँ मोदी जी की सरकार को कौन हटाएगा, योगी जी की सरकार को कौन हरा सकता है, कोई भी हरा सकता है, तो वैसे तो सीता जी के धनुष को कौन तोड़ेगा। तो सारे राजा एक एक उठाते थे और देश उठाते थे तो वापस बैठ जाते थे। बाद में सबने एक सभा करा और मिलकर कहा हम महागठबंधन बनाएंगे और महागठबंधन क्या बनेगा, कोरोना के मतलब मिलकर धनुष को उठाकर तोड़ेंगे। तो लोगों ने कहा आप लोग तो विपरीत विचार मानते हो, हर राजा एक दूसरे का दुश्मन आप कैसे करोगे। तो राजाओं को जवाब नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि देखो पहला काम तो हमारा है धनुष को तोड़ना और जब धनुष तोड़ जाएगा तो हम सब एक दूसरे के विपरीत विचारधारा वाले लोग हैं, सब आपस में लड़ेंगे और लड़ने के बाद एक दूसरे को मारेंगे और मरने के बाद जो कोई जिंदा बच जाए तो उसको भी कोई चुनाव नहीं।